Hey everyone, welcome to Shrooms IAS. मैं हूँ शिवांगी शर्मा एंड हेयर आई एम विद फोर्थ चैप्टर ऑफ द सेम बुक विच इज़ क्लास 8 हिस्ट्री. सो ये आज जो चैप्टर है डार्टिस ट्राइबल्स डिकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. तो ट्राइबल्स क्या होते हैं? ट्राइबल्स वो लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं और उनका जो मेन सोर्स होता है, मतलब जो भी वो चीज़ें लेते हैं अपने लिवलीहुड के लिए, वो सब कुछ फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट होता है. और डिकूज डिकूज जो वर्ड है वो ट्राइबल ही यूज़ किया करते थे आउटसाइडर्स के लिए. जो भी आउटसाइडर्स थे या फॉरेनर्स थे उनके लिए वो वर्ड डिकूज यूज़ किया कर सकते थे करते थे. एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज. और एक गोल्डन एज था जब आउटसाइडर यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ट्राइबल्स के ऊपर आके फिर से राज करने लग गए. और वो उनका विजन था ट्राइबल्स का कि वो फिर से वही दिन आएंगे जिनमें वो बिल्कुल मतलब फ्री थे. तो उन्हीं टाइम को उन्होंने गोल्डन एज बोला. ठीक है. सो 1895 में एक मैन जिनका नाम था बिरसा, उनको मतलब फॉरेस्ट में और ऐसे छोटा नागपुर, मतलब झारखंड के छोटा नागपुर में ऐसे घूमते हुए देखा था. तो लोगों ने ऐसा बोला कि इनके पास बहुत ही मिरेकुलस पावर है, वो सारे डिजीज को ठीक कर सकते हैं और जो ग्रेन है जो भी हम खाना बनाते हैं उसको वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ठीक है. सो बिरसा ने ऐसा बोला कि वो उन्होंने कि गॉड ने उनको भेजा है लोगों को ट्रबल से बचाने के लिए, उनको स्लेवरी से फ्री करने के लिए, स्लेवरी से फ्री करने के लिए. और बहुत सा जो भी स्लेवरी है और जो डीकूज है, जो डीकूज है जिनकी वजह से उनको स्लेवरी करनी पड़ रही है, इनको वो हटा देंगे. ठीक है. तो जल्दी ही काफ़ी सारे लोगों ने, हज़ारों लोगों ने बिरसा का मतलब विश्वास कर लिया और उन्हीं को ये भगवान मानने लग गए और ऐसा मान लिया कि वही जो है हमारी प्रॉब्लम आगे सॉल्व करेंगे. ठीक है. सो बिरसा जो है वो मुंडास की फैमिली में पैदा हुए थे जो कि एक ट्राइबल ग्रुप है छोटा नागपुर का. तो उनके जो फॉलोअर्स थे उसमें मतलब और ट्राइबल ग्रुप भी थे अलग अलग रीजन्स के, उनमें से यहाँ पे दो का नाम दिया हुआ है विच वॉज संथल एंड ओरानोस. ठीक है. तो इन सभी, ये सारे जो भी ट्राइब्स थे ये अनहैप्पी थे डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से, मतलब अलग अलग कारणों की वजह से दे वर अनहैप्पी. बिकॉज जब ब्रिटिश रूल उनके पास आ गए, ब्रिटिश रूल उन तक पहुंच गए, तो उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए जो कि वो नहीं चाहते थे कि हो. ठीक है. तो उनका जो भी फैमिलियर वे था कि वो कैसे जीते थे आज तक, वो सब कुछ उन्होंने चेंज करने लग गए ब्रिटिशर्स. और उन्हें ऐसा लगा कि उनका जो रिलीजन है वो डेंजर में है और ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. फिर ऐसा क्या हुआ, बिरसा ने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की और हु आर द आउटसाइडर्स, वो आउटसाइडर्स कौन थे जिनको डीकूज बोला जा रहा था और जिन्होंने लोगों को एनस्लेव करा था. ठीक है. सो हमने लास्ट ईयर यानी कि क्लास 7th में ट्राइबल, कुछ ट्राइबल सोसाइटी को डिस्कस करा था, ज़्यादा नहीं बट कुछ कुछ डिस्कस करे थे हमने. तो जो ज़्यादातर ट्राइब्स हैं उनके कस्टम्स और रिचुअल्स वो ब्राह्मण रिचुअल से काफ़ी अलग होते हैं. राइट. बिकॉज क्योंकि जो हमारा ब्राह्मण कल्चर है यानी कि जो हिंदू कल्चर है उसमें चार ऐसे लेवल्स में डिवाइड करा हुआ है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई सोशल डिविजन्स नहीं था ट्राइब्स में, कोई भी कास्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं था. कुछ एक ऐसा होगा जो हेड होगा बट वो भी बहुत कम. उन ये सारे जो है कॉमन किनशिप शेयर करते थे और कोई भी इनका मतलब डिफरेंसेस नहीं थे इन ट्राइब्स के बीच में. सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक फ़ोटो है, दिस फोटो. सो ये फोटो है, हाँ यहाँ पे देखो, वुमेंस है गोंगरिया कांदा का, डोंगरिया कांदा. सो डोंगरिया कांदा कहाँ का ट्राइब है, ये ओरिसा का ट्राइब है. ओके. ओरिसी का ट्राइब है. तो वहाँ की वुमेंस देखो कैसे वी रिवर को क्रॉस कर रही है, मार्केट जा रही है, मतलब रिवर क्रॉस करके. ठीक है. सो हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप्स लिव, तो ये जो ट्राइबल ग्रुप्स थे ये रहते कैसे थे, इनका जीने का तरीका क्या था. ठीक है. सो वो अभी हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखो 19th century में बहुत जो ट्राइबल पीपल है वो मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रह रहे थे. उनमें से झूम कल्टीवेटर्स थे, झूम कल्टीवेटर्स को शिफ्टिंग कल्टीवेटर भी बोलते हैं. सो बेसिकली ये ना छोटी छोटी जगहों पे हुआ करता था, लैंड्स के छोटे छोटे पैचेस में, बेसली ज़्यादातर फॉरेस्ट में किया जाता था. तो इसमें क्या होता था कि जो बिल्कुल ऐसे ट्री थे जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसे हरे भरे थे कि जिनकी वजह से सनलाइट भी मतलब ग्राउंड पे नहीं पहुंच पाती थी, तो वो क्या करते थे कि ट्री का जो टॉप होता है, सपोज दिस इज़ अ ट्री, ठीक है, तो ये इस ट्री की वजह से ये इतना घना है कि सनलाइट भी यहाँ नहीं पड़ रही है, तो ये वाला जो पार्ट है विच इज़ द ट्री टॉप्स ये हटा दिया करते थे ताकि सनलाइट नीचे आए. ठीक है. तो फिर
क्या करते थे, आसपास की जो भी वेजिटेशन है उसको जला दिया करते थे और क्लियर कर दिया करते थे लैंड को, ताकि वो कल्टीवेशन कर सके. और जब वो इन सारे जो वेजिटेशन है उनको जला देते थे, तब ऐश निकल करके आती थी, मतलब राख निकल करके आती थी. तो वो ऐश में बहुत सारा पोटैश होता है, जिसकी मदद से जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज हो जाती है. ठीक है, तो वो उस टाइम पे जो कुल्हाड़ी होती है, मतलब जो एक्स होते हैं, उन्हीं की मदद से पेड़ काटा करते थे, और मतलब सॉइल को सॉइल को खोदते थे, ताकि मतलब कल्टीवेशन के लिए लैंड को प्रिपेयर कर सके. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते थे, जो मिट्टी है उसमें ऐश को थोड़ा सा ऐसा मिला के उसको लगा देते थे सीड्स के ऊपर. ठीक है, तो ऐसे ऐसे वो लोग करते थे. ठीक है, तो जब एक क्रॉप रेडी हो जाती थी और हार्वेस्ट हो जाया करती थी, तो वो दूसरे लैंड में चले जाते थे, दूसरी फील्ड में चले जाते थे, और उस फील्ड को फैलो छोड़ दिया करते थे. मतलब वहाँ पे कुछ टाइम तक कुछ भी नहीं बनाया जाता था, डैट फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, ताकि कुछ टाइम के बाद जब वो आए तब तक वो मतलब रिकवर हो जाती है. ठीक है, लैंड जब, क्योंकि अगर सपोज दिस इज अ लैंड और इधर आपने एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाया है, और उस पर्टिकुलर क्रॉप, हाँ, तो वो पर्टिकुलर क्रॉप आपने उगाया है और उसे हार्वेस्ट कर लिया, तो जब आपने उसको हार्वेस्ट कर लिया है, तो वो जो लैंड है उसको कुछ टाइम के लिए फैलो छोड़ दो, बिकॉज जब वो हमने जो क्रॉप उगाई थी उसकी वजह से थोड़ी सी फर्टिलिटी जो है वो लैंड की कम हो गई है. ठीक है, सो अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो उसकी फर्टिलिटी फिर से लैंड गेन कर लेगी. ठीक है, तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बेसिकली हिली और फॉरेस्ट एरियाज में ही देखी जाती है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल इंडिया. ठीक है, सो जो ट्राइबल पीपल की जो लाइफ है वो बेसिकली डिपेंड करती है उनका जो फ्री मूवमेंट है, वो उनको उनको मतलब फ्री मूवमेंट करना है उनको, कोई मतलब वो मोबाइल होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं. ठीक है, विद इन द फॉरेस्ट, या ज़रूरत पड़े तो फॉरेस्ट के बाहर भी. ठीक है, सो यही तरीका था वो कैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते थे, बिकॉज दिस इज़ अ फॉरेस्ट. कभी कभी वो यहाँ ये वाला पार्ट कर देते हैं, तो इस वाले पार्ट को छोड़ के दूसरे पार्ट पे जाएंगे हेयर, तो इधर तक जाने के लिए उनको फ्री, मतलब उनके पास एक फ्री वो होना चाहिए ना कि वो जा सके, राइट? सो सम वर हंटर्स एंड गैदर्स, तो कुछ ये करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, और कुछ हंटर्स और गैदरर्स थे. तो हंटर और गैदरर्स क्या होते हैं, वो बेसिकली एनिमल्स को मारते हैं और उन्हीं को खाते हैं. और मतलब हंटर्स जो होते हैं वो होते हैं जो उनको काट के खा जाते हैं, और गैदरर्स होते हैं जो कि फॉरेस्ट का जो भी प्रोड्यूस है, जो फॉरेस्ट में उनको मिलता है, उसको इकट्ठा करते हैं, फिर बाद में उसको खाते हैं. ठीक है, और ऐसे एक बहुत ही जो कम्युनिटी है, ऐसी एक कम्युनिटी डैट इज़ द खोन्स खोन्स कम्युनिटी ऑफ उड़ीसा. ठीक है, खोन्स कम्युनिटी कहाँ की है, उड़ीसा की. वो बेसिकली कलेक्टिव हंट करते हैं, मतलब सारे मिलके एक जानवर को मारेंगे, फिर मीट को डिवाइड कर देंगे. ठीक है, अपने अपने अंदर अंदर. उसके अलावा वो फ्रूट खाते हैं, रूट्स खाते हैं किसी भी पौधे की, और कुक्ड फूड भी खाते हैं वो. तो वो ऑयल निकालते हैं वो सल और महुआ महुआ का. ठीक है, सल और महुआ क्या होता है, सल एक पौधा, एक ट्री होता है, और महुआ एक फूल होता है, जिसको ऐसे खाया भी जाता है, और उसकी शराब भी बनती है. ठीक है, सॉरी, उसकी अल्कोहल भी बनती है. उसके अलावा वो काफ़ी श्रब्स और हर्ब्स को भी यूज़ करते थे मेडिकल पर्पस के लिए. ठीक है, और उनको जाके फिर जो लोकल मार्केट्स है उनमें बेच दिया करते थे. ठीक है, ठीक है. सो जो लोकल वीवर्स थे और जो लेदर वर्कर्स थे, वो मतलब वो खोन्स पे डिपेंडेंट हो गए थे कि वो कुछ लेकर आएंगे, बिकॉज वही एनिमल्स को मार के वो दिया करते थे. उसके अलावा वो कुसुम और पलाश को भी प्रोवाइड करते थे. सो पलाश एक फ्लावर होता है जो कि कलर देता है. पुराने टाइम पे क्या, मतलब पहले पलाश ही यूज़ किया जाता था होली के कलर्स बनाने के लिए भी. ठीक है, सो फ्रॉम वेयर डिड द फॉरेस्ट पीपल गेट सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. तो अब जो राइस है, राइस और अदर ग्रेन्स जो फॉरेस्ट पे नहीं मिलते हैं, वो उन तक कैसे पहुँचते थे, क्या करते थे वो, ऐसे टाइम पे वो जो गुड है उसको एक्सचेंज कर दिया करते थे. ठीक है, बदले में उनको जो उनको चाहिए था उसके बदले में वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट उन्हें दे दिया करते थे. किनको दे दिया करते थे, मार्केट पे जाके वो दे दिया करते थे. ठीक है, कुछ क्या करते थे, कुछ जॉब्स करते थे विलेजेस में, ताकि वो कुछ कमा सके, और जिसमें से वो मतलब लोड्स कैरी करते थे, ये बिल्ड रोड बनाया करते थे, और लोगों की जो फील्ड है उधर मतलब फार्मर की तरह काम कर लिया करते थे. सो जब जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस की जो सप्लाई है वो श्रैंक हो जाती है, तो ट्राइबल पीपल जो है वो मतलब वो
फिर और परे फिर से घूमने लगते हैं, थोड़ा सा लेबरर की उनको जॉब मिल जाए तो। बट काफ़ी ट्राइब्स ऐसे हैं, जैसे बाईगास, बाईगास एक ट्राइब है सेंट्रल इंडिया का। सेंट्रल इंडिया मतलब ये जिसकी सेंट्रल इंडिया होता है बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये सेंट्रल इंडिया है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी काफ़ी ट्राइब है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये सेंट्रल है, ठीक है। सो जो बाईगास है उनको ऐसा लगता था कि अगर वो किसी और के पास ऐसे जाके काम करेंगे तो वो उनकी डिग्निटी के खिलाफ है, मतलब उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फॉरेस्ट पे ही, मतलब फॉरेस्ट पे जो करेंगे वो करेंगे, बट बाहर जाके लोगों के अंडर काम करना उनकी डिग्निटी के खिलाफ था। तो ट्राइबल पीपल कभी कभी बेचते और ख़रीदते थे चीज़ें, क्योंकि उन्हें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी चाहिए होती थी जो उनके लोकेलिटी में प्रोड्यूस नहीं होती थी, ठीक है। सो ऐसे टाइम पे वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट हुआ करते थे। तो ट्रेडर आया करते थे उनके पास डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेचने, ठीक है, और वो क्या क्या करते थे कि वो चीज़ें ना उनको बहुत ही हाई प्राइस में बेचा करते थे। और जबकि जब मतलब तो उसके लिए मनी लेंडर्स क्या करते, ट्राइबल्स को क्या करना पड़ता था कि वो लोन लेते थे मनी लेंडर से, जब भी मनी लेंडर है उससे वो लोन ले लिया करते थे ताकि वो अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ले सके। बट फिर वो जो मनी लेंडर्स है उनसे बहुत ही हाई इंटरेस्ट चार्ज करता था, जिसकी वजह से जो ट्राइबल्स है वो फंस जाते थे डेट ट्राप्स में। तो उनका ये डेट ट्रैप का जो है साइकिल शुरू हो जाता था, ठीक है। कुछ एनिमल्स पालते थे, कुछ हर्डर्स होते हैं, काफ़ी ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि हर्डिंग और रियरिंग करते हैं, और ये पैस्टोरलिस्ट होते हैं। पैस्टोरलिस्ट मतलब वो पैदल ही चलते हैं अपनी शीप से, अपनी कैटल्स के साथ। तो जब एक जगह की ग्रास ख़त्म हो जाती है तो वो दूसरी जगह जाते हैं अपने इतने सारे सारे जानवरों को लेके, ठीक है। पंजाब के वन गुज्जर ऐसा एक ट्राइब है, उसके अलावा लवादीज आंध्र प्रदेश के, और गद्दीज कुल्लू के, हिमाचल प्रदेश कुल्लू के गद्दी, वो भी शेफर्ड है, और बकरवाल ऑफ कश्मीर रेयर्ड गोट्स, ठीक है। सो हम इन्हीं के बारे में मतलब अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो मतलब नेक्स्ट क्लास मतलब 9th क्लास पे हम इनको और अच्छे से पढ़ेंगे। सो हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल, क्या रहा आज, हियर इज़ अ स्टोरी ऑफ लाइक ट्राइब्स, कैसे वो हंट करते थे, कैसे सो मतलब उनको पता होता था कि कब हंटिंग करनी है और कब उगाना है। सो यस, दैट इज़ द स्टोरी। सम टुक सेटल्ड कल्टिवेशन, तो इनमें से कुछ ऐसे थे जो कि एक जगह पे सेटल डाउन हो जाते थे, वो जगह से जगह जाया नहीं करते थे, जबकि एक ही लैंड फिक्स कर लेते थे उसी पे वो बार बार किया करते थे, ठीक है। सो मुंडास जैसे, जो एक छोटा नागपुर के जो मुंडास है, वो ऐसा किया करते थे कि जो उनमें लैंड थी वो डिवाइड नहीं करते थे ट्राइब्स, वो ना ऐसे बोलते थे कि ये हो सभी का है, जबकि एक उनका वो बन जाता था फिर भी हेड बोलने के लिए, बट सारे उस पर काम किया करते थे और वो सभी की लैंड हुआ करती थी। फिर जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे ना, उनको तो प्रॉब्लम बहुत थी। उनको प्रॉब्लम ये थी कि जो सेटल ट्राइबल्स है वो तो अच्छे हैं, बट जो 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 मतलब चलते रहते हैं, जो कि वॉन्डरिंग होते हैं, वो उनको बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। वो बोलते हैं कि जो सेटल्ड है वो ठीक है, और जो मतलब ऐसे चलते रहते हैं फॉरेस्ट पे, उनको सेटल करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज उनका तो मेन मोटिव यही था कि वो कैसे ना कैसे करके रेवेन्यू निकाल सके। तो जो चलते रहते हैं लोग, जो शिफ्ट होते रहते हैं, उनसे वो मतलब रेवेन्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, ऑफकोर्स टफ होगा। तो उन्होंने कैसे, अब मतलब एंट्री हो चुकी है ब्रिटिशर्स की, तो अब ब्रिटिशर्स कैसे आते हैं और क्या करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, बहुत प्यारी सी फ़ोटो है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक नीशी ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश का एक ट्राइब है नीशी ट्राइब। तो इनमें कैसे एक अंकल लॉग से अपना घर बना रहे हैं, देखो यहाँ पे ये बांध रहे हैं इनको इन चीज़ से, और पीछे देखो एक घर का, एक घर भी है हमारे पास। तो कितना प्यारा ये मतलब सीनेरियो है, ठीक है। सो व्हाट हैपन टू द ट्राइबल चीफ, तो अब आ तो गए हैं, अब इनके रहते कोई और राज करेगी तो इनको एकदम हजम नहीं होगा ब्रिटिशर्स को। तो क्या किया इन्होंने कि ब्रिटिशर्स आ गए, जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब तक तो ट्राइबल चीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोजीशन थी, सब कुछ इकोनॉमिक पावर हो सब कुछ उनके ऊपर थी, वो टेरिटरीज को खुद ही कंट्रोल करते थे। कहीं कहीं तो उनकी अपनी पुलिस भी थी, और वही डिसाइड करते थे कि कैसे कैसे लैंड और कैसे कैसे फॉरेस्ट मैनेज होगा। बट जैसे ये ब्रिटिश रूल आया, उन्होंने ट्राइबल चीफ्स को बोला कि ठीक है तुम्हारा जो पोस्ट है तुम ट्राइबल चीफ रहो, बट तुम्हारे जो फंक्शंस है वो सारे हम चेंज करने वाले हैं, ठीक है। उनको लैंड टाइटल्स अभी भी रखे थे, बट उनको बोला कि जो भी रेंट है वो तुम्हें लेना है और हमें देना है। मतलब उनका तो मेन मोटिव यही था कि वो बस कितना सारा हो सके उतना ज़्यादा पैसे कमा सके। उन्होंने बोला कि तुम हमें ट्रिब्यूट भी दोगे, उसके अलावा जो डिसिप्लिन है वो तुम मेंटेन करके रखोगे ऑन द बिहाफ ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। सो ऐसा इन्होंने इनको बोला,
और तुम्हारी ये जो ट्रेडिशनल फंक्शन है ये सारे तुम लोग कुछ नहीं करोगे, तुम्हें अच्छे से रहना है, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे उनके साथ क्या हुआ, तो ब्रिटिश ना बहुत अनकंफर्टेबल थे, उनको अच्छे नहीं लगते थे ऐसे लोग जो जगह से जगह मूव करते, बिकॉज उनका फिक्स्ड होम नहीं था, बिकॉज वो चलते फिरते लोगों से ना वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर सकते। तो यहाँ पे देखो हमारे पास भील वुमेन है, यहाँ पे भील वुमेन्स काम कर रही है। दिस इज़ अ भील वुमेन, कहाँ का है भील वुमेन, इज मतलब भील जो ट्राइब है, भील है गुजरात का। ओके, सो उन्होंने बोला कि पीजेंट्स, ये जो भी चलते फिरते लोग हैं इनको सेटल कर देना चाहिए हम लोगों को, बिकॉज इनकी वजह से हम नहीं रेवेन्यू सोर्स मतलब नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने लैंड सेटलमेंट दे दी। उन्हें ये सेटलमेंट दी कि उन्होंने लैंड मेजर किया और राइट आइडेंटिफाई करा हर एक का, और उन्हें बोला कि तुम इस पे काम करो, बदले में हमें फिक्स रेवेन्यू देते रहना, हमने तुम्हें लैंड दे दिया। तो कुछ पीजेंट्स थे उनको उन्होंने लैंड ओनर्स डिक्लेयर कर दिया और बाकियों को उनके मतलब टेनेंट्स बना दिए, और उन टेनेंट्स को बोला कि तुम लैंड ओनर को पे करोगे रेवेन्यू, और वो लैंड ओनर आगे जाके ब्रिटिशर्स को दे देगा। तो बट ब्रिटिश का ये जो एफर्ट था झूम कल्टीवेशन का, ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि झूम कल्टीवेटर्स के लिए हमें जो है लैंड चेंज करना पड़ता है हर दूसरे टाइम, बट उन्होंने फिक्स लैंड दिया था तो ऑफकोर्स वो नहीं हो सकता था। और जहाँ पर पानी है ही नहीं, पानी की बहुत कमी है और सॉइल बहुत ड्राई है, वहाँ पर कैसा ही तुम उगा लोगे, क्या ही उगा लोगे। तो झूम कल्टीवेटर्स जो कि नॉर्थ ईस्ट के थे, उन्होंने सोचा कि वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करेंगी और इनका नहीं मानेंगे। उन्होंने बहुत बार मतलब प्रोटेस्ट करा, तो ब्रिटिश ने अल्टीमेटली उनको अलाउ कर दिया कि ठीक है तुम्हें जो करना है करो, तुम जाओ कल्टीवेशन करो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में, पर हाँ तुम्हें हमने अलाउ तो कर दिया है, बट तुम सिर्फ बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स में कर सकते हो, जो बहुत लिमिटेड पार्ट्स है कंट्री की फॉरेस्ट के, उधर तुम कर सकते हो, ठीक है। फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। सो ट्राइबल ग्रुप्स की जो लाइफ थी जो हमने देखा वो डायरेक्टली कनेक्टेड थी फॉरेस्ट से। तो जब चेंज जो फॉरेस्ट लॉज में चेंज आया तो ऑफकोर्स ट्राइबल लाइफ में भी हमें चेंज देखने को मिलेगा। सो बेसिकली हुआ क्या कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपना पूरा कंट्रोल फैला दिया सारे फॉरेस्ट में, और ये बोल दिया कि ये जो फॉरेस्ट है ये हमारी प्रॉपर्टी है, आप लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है। और कुछ प्रॉपर्टी को उन्होंने रिजर्व फॉरेस्ट बोल दिया और बोला कि इनके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, ये रिजर्व्ड है। उन्होंने रिजर्व इसीलिए किया बिकॉज वहाँ पे टिम्बर बहुत था। तो जो फॉरेस्ट के पीपल थे उनको फ्रीली झूम कल्टीवेशन, ना वो फ्रीली घूम सकते थे ना वो झूम कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते थे किसी भी सिचुएशन में। सो अब उन्हें ये फोर्स यही किया गया कि वो बाहर जाके वर्क ढूंढे और लिवलीहुड बनाए अपना। तो एक बार क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने ट्राइबल पीपल को स्टॉप कर दिया कि तुम फॉरेस्ट के अंदर ही रहो, मतलब फॉरेस्ट के अंदर मत रहो, आई एम सो सॉरी, फॉरेस्ट के अंदर मत रहो। बिकॉज अब हुआ क्या कि जब उन्होंने सभी को बाहर निकाल दिया और सभी बाहर जा रहे थे, तब उन्होंने बोला कि अब ये जो लकड़ी है इनको काटेगा कौन, और इनको मतलब ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, गाड़ी तक कौन पहुँचाएगा। तो कॉलोनियल ऑफिशियल्स ने बोला कि ठीक है कुछ कुछ को हम झूम कल्टीवेशन के लिए स्मॉल पैचेस दे देते हैं फिर से, और उनको अलाउ करते हैं कि ठीक है तुम कोई भी कंडीशन है तुम यहाँ पे रह लो करके, ठीक है। बट उसमें उनको ये बोला कि तुम अब फॉरेस्ट से बाहर नहीं रह सकते, तुम फॉरेस्ट के अंदर ही रहो। तब वो बहुत ही चीप लेबर हो गए थे उन लोगों के लिए, तो वो उनको एक एडवांटेज मिल गया एक और। सो काफ़ी ट्राइबल पीपल ने इसके खिलाफ बहुत रिएक्ट किया, और इनके जो भी रूल्स थे किसी ने नहीं माना, डिसोबे करा, और उनकी जो प्रैक्टिसेस थी वही करते रहे, चाहे उन्होंने वो इलीगल डिक्लेयर कर दी थी फिर भी उन्होंने करा, ठीक है। एट द सेम टाइम रोज द ओपन रिवीलियन, उस टाइम ओपन रिवीलियन भी शुरू हो गया था। जब ऐसा रिवोल्ट एक और ऐसा ही एक रिवोल्ट था संग्राम संगमा, कहाँ का, असम का, 1906 में हुआ था ये। और फॉरेस्ट सत्याग्रह हुआ जब 1930 में इन द सेंट्रल प्रोविंसेस, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम विद ट्रेड। सो 19वीं सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप जो थे वो मतलब ट्रेडिंग और मनी लेंडर वगैरह वगैरह ये सब कुछ से थोड़े मतलब फेमिलियर हो चुके थे। तो ये फॉरेस्ट से चीज़ें ला के बाहर बेच दिया करते थे, अपनी चीज़ें ला दिया करते थे, और वेजेस के लिए काम भी कर लिया करते थे दूसरे के पास, ठीक है। तो इनको थोड़ा एक मतलब कॉन्सिक्वेंसिस का पता चल गया था। तो अगर हम एक केस ले सिल्क ग्रोअर्स का 18वीं सेंचुरी में, तो इंडियन सिल्क जो था वो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में था। एक फ़ाइन क्वालिटी इंडियन सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा वैल्यू थी उसकी, और उसको मतलब इंडिया ने उसका जो एक्सपोर्ट है वो इंडिया बढ़ाया ही जा रहा था, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई कर रहा था कि वो सिल्क प्रोडक्शन को भी एनकरेज कर सके, ताकि वो जो ग्रोइंग डिमांड है उसको भी मतलब
मीट कर सके। हजारीबाग जो कि आज झारखंड में है, वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पे संथल कोकून्स को रेयर किया करते थे। कोकून से ही सिल्क निकलता है, पता होगा आप लोगों को, राइट? सो यस, फिर जो ट्रेडर्स थे उन्होंने मतलब सिल्क से मतलब अपने एजेंट भेजे कि तुम जाके वहाँ से सिल्क लेकर आओ, और 1,000 कोकून का वो 3 या 4 रुपए दिया करते थे उस टाइम पे, ठीक है, बनाने वाले को। सो उस टाइम 3 या 4 रुपए बहुत हुआ करता था, बट वो क्या करते थे, बदले में उसको एक्सपोर्ट कर देते थे बुर्दवन या गया में, और उसको 5 टाइम्स हाई प्राइस में बेचा करते थे। मतलब अगर वो उनको 3 रुपए में बेच रहे हैं तो वहाँ पे जाके 15 रुपए में वो उसको, मतलब 3 रुपए में यहाँ से खरीद रहे हैं तो 15 रुपए में जाके वहाँ पे बेच दिया करते थे, ठीक है। तो सिल्क ग्रोअर्स बहुत ही लिटिल कमा रहे थे, बट उनको पता तो चल गया था कि ये जो मार्केट वाले हैं और ये जो ट्रेडर्स हैं यही इनके मेन एनिमी है, तभी इनके वजह से जो इनको मतलब आ नहीं रहा है इनके पास पैसा, राइट। तो यहाँ पे देखो एक फोटो है हमारे पास वर्कर की, ये थे तो ट्राइबल वर्कर थे। सो यहाँ पे ये कोल माइंस के अंदर काम कर रहे हैं बिहार में, ओके। तो सर्च ऑफ वर्क, सो जब प्लाइट प्लाइट होता है मतलब हालात, तो ट्राइबल ग्रुप्स के उस टाइम इतने हालात थे कि उन्हें घर से दूर जाके मतलब और गंदा गंदा काम भी करना पड़ रहा था। तो अब लेट 19th सेंचुरी में टी प्लांटेशन स्टार्ट हो गया, मतलब अब अंग्रेज़ चाय भी लेकर आ गए हमारे इंडिया में, तो चाय था भी नहीं, चाय ले आए और चाय का नशेड़ी बना दिया, और अब चाय पीते मतलब अब मोस्ट ऑफ द घरों पे लोग चाय के दीवाने हैं। और उन्होंने टी प्लांटेशन शुरू कर दिया असम में और कोल माइंस झारखंड में। उसके वजह से जो है उनको बहुत ही लो वेजेस मिल रहे थे, बट स्टिल जो भी ट्राइबल पीपल थे, ठीक है। सो अ क्लोजर लुक यहाँ पे देखो, 19th या 20th सेंचुरी में हम देखिए तो ट्राइबल ग्रुप्स जो है कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में रिबेल कर रहे थे अगेंस्ट इन लॉज के। तो जो भी रेस्ट्रिक्शंस इनके ऊपर थे, जो न्यू टैक्सेस इनको पे करने पड़ रहे थे, और जो इनके साथ अत्याचार कर रहे थे ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स, इसके खिलाफ ये लोग रिवोल्ट कर ही रहे थे, ठीक है। फिर एक आता है द कोल्स, जो कोल्स थे उन्होंने रिबेल किया 1831 और 32 में। फिर संथल्स से, जो संथल्स ने रिवोल्ट करा 1855 में। उसके बाद आया बस्तर रिबेलियन सेंट्रल इंडिया में, जो कि 1910 में हुआ, और वर्ली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940, ठीक है। और जो बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट किया था वो भी इनमें से एक है। सो हम उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सो बिरसा मुंडा का बर्थ हुआ था mid-1870s में। वो एक बहुत ही गरीब घर से बिलोंग करते थे, और मतलब वो बहोंदा के फॉरेस्ट में रहा करते थे। वो शीप्स को ग्रेस करते थे, वो बांसुरी बजाते थे और लोकल अखाड़ा में डांस भी किया करते थे। तो उनकी पॉवर्टी इतनी थी कि उनके फादर को मूव करना पड़ता था जगह से जगह काम करने के लिए, इतनी गरीबी थी। जब बिरसा मुंडा एडोलेसेंस में थे, यानी कि जब अपने टीनेज में थे, तब उन्होंने इतनी सारी स्टोरियाँ सुनी कैसे मुंडा ने, जैसे जो भी मुंडा ट्राइब है उन्होंने कैसे पास्ट से ही इतने वो वीर रहे हैं, और उन्होंने कैसे कैसे लड़ाइयाँ लड़ी है अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। और बिरसा मुंडा हमेशा गोल्डन एज की बातें करते रहते थे, और उनको मतलब डिकूस के पोजिशन से फ्री होना था जल्दी से जल्दी, ठीक है। उन्होंने खुद को देखा एज अ डिसेंडेंट कि मतलब वो पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि वो अपने मुल्क की लड़ाई कर सके, अपने लैंड के लिए लड़ाई कर सके और फिर से अपने किंगडम को जीत सके, ठीक है। बिरसा मुंडा को लोकल मिशनरी स्कूल में भेजा गया, और मिशनरी के जो समझ थे उन्होंने वही सुना। उनको ऐसा बोला जाता था बिरसा मुंडा को कि अगर तुम्हें फिर से वो सब कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास था पहले, तो तुम्हें जो तुम्हारे ये सारे रिचुअल्स हैं इनको छोड़ के एक अच्छा क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। अगर तुम एक अच्छा क्रिश्चियन बनोगे तभी तुम्हें वो सब कुछ वापस मिल सकता है, ठीक है। बट बाद में बिरसा मुंडा ने एक वैष्णव प्रीचर के पास गए। हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था वैष्णव, वैष्णव होते हैं जो विष्णु की भक्ति करते हैं, ठीक है। सो वैष्णव प्रीचर के पास वो गए, और उन्होंने वहाँ पे जो जनेऊ होता है वो पहन लिया, और प्योरिटी और पिटी की इंपॉर्टेंस उन्होंने ली, ठीक है। सो बिरसा जो थे वो बहुत ही डीपली इन्फ्लुएंस हुए थे इन आइडियाज़ से, जिनके साथ वो टच पे रहे और उनके साथ ही बड़े हुए। बट हाँ, उनका मेन एम यही था कि वो अपने ट्राइबल सोसाइटी को रिफॉर्म कर सके। उन्होंने मना करा कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें अपना जगह क्लीन करना चाहिए, और ये जो भी काला जादू है इस पर बिलीव बंद करना चाहिए। बट याद रखना कि जो बिरसा है उन्होंने वो मिशनरी और हिंदू लैंडलॉर्ड्स दोनों के अगेंस्ट थे, बस वो ये चाहते थे कि उनके जीने का जो तरीका है वो अच्छा हो, ठीक है। सो 1895 में बिरसा ने फिर से मतलब अर्क किया कि उनके जो भी फॉलोअर्स हैं वो मतलब
फिर से हमेशा जो है अपने गोल्डन एज, जो गोल्डन एज आएगा आने वाले पे, वही उसी का बात करते रहते थे। और जो गोल्डन एज था उन्होंने उसको बोला कि सतयुग, वो हमारा सतयुग होगा, ठीक है, जब मुंडास एक गुड लाइफ जिएंगे और अपने एम्बैकमेंट्स बनाएंगे, अपने नेचुरल, अपने नेचुरल जो उनके स्प्रिंग्स हैं उनमें रहेंगे, और अपने ट्रीज, अपने ऑर्चार्ड्स प्लांट करेंगे, ठीक है, और अपनी कल्टीवेशन करेंगे लिविंग के लिए। वो ना किसी अपने किसी रिलेटिव को नहीं मारेंगे और वो बिल्कुल ऑनेस्टली रहेंगे, ठीक है। तो बिरसा यही चाहते थे कि उनकी जो लैंड है उन पे वो फ्री रह सके और उन पे वो काम कर सके, ठीक है। बट ब्रिटिशर्स को क्या डर लगा कि बिरसा का जो मूवमेंट है उसका, मतलब जो पॉलिटिकल एम है उनका, उनको थोड़ा डर था, बिकॉज जो भी मिशनरीज थे, मनी लैंडर्स थे और हिंदू लॉर्ड्स थे, और जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने मतलब वो बिरसा मुंडा की बिल्कुल मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि बिरसा मुंडा उनके खिलाफ चले जाएंगे। तो उस मोमेंट ने आइडेंटिफाई करा सारे फोर्सेस, जिसकी वजह से जो है मुंडा को सफरिंग फेस करनी पड़ रही थी। तो जो लैंड पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, वो बिल्कुल उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम, और हिंदू जो भी लैंडलॉर्ड्स थे और मनी लैंडर्स थे उन्होंने सारी लैंड उनकी ले ली, और मशीनरीज, मतलब उनके सारे ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज कर रहे थे, ठीक है। सो जैसे जैसे मूवमेंट बढ़ता रहा वैसे वैसे ब्रिटिश ऑफिसर ने डिसाइड करा कि वो एक्ट करेंगे। उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर दिया 1895 में, और उन पर एक चार्ज डाल दिया रायटिंग का, और उनको 2 साल के लिए जेल कर दिया। जब बिरसा मुंडा जेल से बाहर आए 1897 में, तब उन्होंने मतलब जो भी विलेजेस थे उनका वो टूर करने लगे वो, और मतलब सपोर्ट उन्होंने सारा गेन कर लिया, ठीक है। वो सारे वो ट्रेडिशनल सिंबल और ट्रेडिशनल लैंग्वेज ही यूज़ किया करते थे, और वो बोलते थे कि हम रावण को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो इधर रावण जो है, रावण से मतलब है डिकूस का, या फिर जो ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिशर्स, ठीक है, उनका मतलब था ये। और उन्होंने एक किंगडम एस्टेब्लिश करेंगे, अ किंगडम अपने लीडरशिप के अंडर। तो ब्रिटिश के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने डिको के जो सिंबल थे उनको अटैक करना शुरू करा, उन्होंने पुलिस को अटैक कर दिया, उन्होंने मतलब चर्चेस को अटैक कर दिया, उन्होंने मनी लैंडर्स की प्रॉपर्टी तोड़ दी और ज़मींदार्स की प्रॉपर्टी भी तोड़ दी, ठीक है। और उन्होंने एक वाइट फ्लैग निकाला एज अ सिंबल ऑफ बिरसा राज, एक वाइट फ्लैग निकाला और उन्होंने बोला ये बिरसा राज का सिंबल है, ठीक है। सन 1900 में बिरसा की डेथ हो गई कॉलरा की वजह से, तो ये पूरा मूवमेंट फेड आउट हो गया। बट जो मूवमेंट था उसका एक मतलब एक दो तरीके से उनका ना सिग्निफिकेंट रह गया, बिकॉज वो ना कलोनियल गवर्नमेंट को बार बार ऐसे फोर्स कर रही थी ताकि वो मतलब सारी जो लैंड है वो वापस ले सके अब उन डीकू से। सेकेंडली उन्होंने दिखाया कि एक अगेन एक ट्राइबल पीपल है जिनकी वजह से वो मतलब उनकी कैपेसिटी है ताकि वो अगेंस्ट कर सके। उन्होंने बताया कि चाहे ट्राइबल जैसे भी हो वो कलोनियल रूल के खिलाफ के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई कर सकते हैं और अपना एंगर दिखा सकते हैं, ठीक है। सो यही तरीका था कैसे उन्होंने दिखाया अपना अपना रिचुअल और अपने सिंबल्स, और उन्होंने बताया कैसे कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया था। सो यस, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।